तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम जानेंगे एक ऐसी लेडी के बारे में, एक ऐसी महिला के बारे में जिन्होंने 7 समुद्र तैरकर पार कर लिए। हाँ जी, 7 समुद्र उन्होंने तैरकर पार कर लिए। 7 समुद्र हम लोग तो स्विमिंग पूल में, नदियों में ही नहीं तैर पा रहे, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समुद्रों को तैर तैर कर पार कर रहे हैं। और उनमें से ही एक महिला जिनका नाम है भोला चौधरी, उनके बारे में हम जानेंगे हमारी इस वीडियो में। अच्छा, उनकी कहानी स्टार्ट होती है उनके बचपन से ही, जब उनके फादर अपने काम से एक नदी में जा रहे थे अपनी बोट में, तो उनकी बोट में कुछ खराबी हो जाती है और वो डूबने लगती है। लेकिन उस दिन तो उनके जो फादर होते हैं ना, वो किसी तरह बच के आ जाते हैं। लेकिन उस दिन वो सोचते हैं कि यार, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन मेरे बच्चों के साथ कभी भी नहीं होगी तैरने को लेकर प्रॉब्लम, तो क्यों, अब मैं जो भी मेरे बच्चे होंगे ना, उनको तैरना जरूर सिखाऊंगा। तो उनके बच्चे होते हैं, और उनके थर्ड नंबर पे जो बच्ची होती है उनका नाम होता है भोला चौधरी। तो जब वो 2 साल की होती है ना, तो उनके फादर उनको तालाब पे ले जाते हैं, और जैसे हम छोटे बच्चों को वहां खड़ा करते थे दूर, उनको बोलते आ जा बेटा आ जा, उनको लेते, ऐसे उनको सेम उनके फादर भी करते थे, उनको तालाब में पटक देते थे। और वो स्विमिंग करके, ओनली 2 ईयर्स वो स्विमिंग करके आती थी बाहर, और जब वो आती थी तो वो उनके फादर बहुत खुश होते थे। और धीरे धीरे उनकी जो तैयारी थी ना, वो कहते हैं ना, जो पहला जो गुरु होता है वो माँ बाप ही होते हैं, तो उनके जो फर्स्ट जो कोच थे ना, उनके पापा ही थे। उन्होंने उनको थोड़ी बहुत स्विमिंग सिखाई, और वो 4 साल की हो गई, और उनका जो पहला कलम लगा ना कॉम्पिटिशन का, वो लगा गंगा रिवर में, और वहाँ पे वो गई। और जब वो वहाँ पर उन्होंने तैरा, तो वहाँ पर उनकी उन पर नज़र पड़ी एक कोच की। और जब कोच ने उनको देखा ना कि ये लड़की यार क्या तैर रही है, तो उसने उनके फादर से कहा कि आप इस लड़की को मुझे दे दो और मैं इसे एक बड़ा तैराक बनाऊंगा। तो उनके फादर ने भी कह दिया कि हाँ, अब आप इसे संभालो। और उस दिन से स्टार्ट होती है उनकी जर्नी। अब जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई कि उनके कोच थे ना, उन्होंने उनको तैरना सिखाया, अच्छे से उनको ट्रेनिंग दी। और अब उनका जो क्लब लगा, कॉम्पिटिशन हुआ, वो बॉम्बे में हुआ, और वो फुल तैयारी के साथ, उनके जो माता पिता थे उनके भी ड्रीम बन गए कि हमारी बच्ची जीत कर आएगी। लेकिन आपको पता है ना, कुछ चीज़ें तो होती हैं हमें कुछ सिखाने के लिए। तो अब वो बॉम्बे पहुँच जाती हैं। अब बॉम्बे में उनका जब कंपटीशन होता है ना, तो वो उनके साथ 5-6 राउंड हुए, लेकिन वो हर राउंड में 4th नंबर पे आई। और आपको पता है, जो मेडल होता है ना, वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाले को मिलता है, 4th वाले को कुछ नहीं मिलता। और सेम ऐसे ही उनके साथ भी हुआ। और वो रोने लगी, वो चाहती थी कि उनको कम से कम एक मेडल मिल जाए, चाहे वो ब्रॉन्ज हो, कैसा भी हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन उन्हें एक भी मेडल नहीं मिला। और अब वो रोने लगी, अब बहुत ज़्यादा रोने लगी। लेकिन आप पता, रोने से कुछ नहीं होता। फिर उनको एक चीज़ बाद में समझ में आई कि मैं क्यों रो रही हूँ। फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं रोने से तो कुछ होगा नहीं, तो अब मुझे करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, और हार्ड प्रैक्टिस। और जी हाँ, आपको पता है, जितने भी काम होते हैं ना, प्रैक्टिस से होते हैं। आज सचिन तेंदुलकर के बारे में हम जानते हैं कि उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ओनली ऑन उनकी प्रैक्टिस की वजह से। जैसे आपने सुना होगा मेजर ध्यानचंद, उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आपको पता है क्यों कहा जाता है? ओनली प्रैक्टिस की वजह से। और आज आपको पता है, भोला चौधरी को जलपरी कहा जाता है। क्यों? ओनली ऑन उनकी प्रैक्टिस की वजह से। और उनकी जर्नी स्टार्ट होती है अब, जब उनको बॉम्बे में एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला, एक भी मेडल नहीं मिला, तो उन्होंने प्रैक्टिस कर दी डबल। और अब उनकी प्रैक्टिस हो गई तैयार, और उसके 1 साल बाद जब उनका कंपटीशन हुआ ना, वो कंपटीशन में गई। आपको पता है, उस कंपटीशन में उनको एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, टोटल 6 उनको गोल्ड मेडल मिले, टोटल 6। तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन वो खुश तो ही, लेकिन वो चाहती थी ये तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं और भी बड़ा करूंगी। और कुछ लोग होते हैं जो उनको थोड़ा सा मिल जाता है ना, उसी के ऊपर सब्र कर लेते हैं और घमंड में आने लग जाते हैं, अरे यार हमें तो बहुत कुछ मिल गया। कभी कभी बार हमारे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो हम ही सोचते हैं, अरे यार आपके पास तो अच्छे मार्क्स आ गए, अब तो मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, यदि आपको कोई चीज़ मिल रही है ना, तो उसका यूज करो, लेकिन उसके पागल मत हो जाओ उसे देख कर कि अरे यार अब तो मिल गया, तो मैं मुझसे जैसा कोई है ही नहीं है। तो लेकिन भोला चौधरी समझदार थी। कुछ अब उन्होंने कहा कि यार मैं छोटी मोटी कंपटीशन तो कर लेती हूँ, लेकिन अब मैं कुछ चैलेंजिंग करना चाहती हूँ। अब ऐसा चैलेंजिंग क्या है? तो उन्होंने देखा कि नदियों में रहना तो अब आसान हो गया, तो उन्होंने कहा समुद्र को पकड़ते हैं। और वो पहुंच गए लंदन, ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में है एक इंग्लिश चैनल, आपने सुना होगा उसके बारे में। अब वो इंग्लिश चैनल को उन्होंने कहा कि मैं इंग्लिश चैनल को करूंगी तैर कर पार, जो करीब 34 किलोमीटर की रेंज, एक स्ट्रेट डिस्टेंस है जिसको इंग्लिश चैनल को पार करेंगे। तो अब वो एक पहुंच जाती है वहां पे,
और जब वो देखती है ना समुद्र में जाकर, तो उनको फील होता है कि जो उन्होंने प्रैक्टिस की थी ना वो नदियों के लेवल की थी, समुद्र के लेवल की अभी उनकी प्रैक्टिस थी नहीं। अब वो वहां पहुंच जाती है, अब उनका वहां पे वो जब समुद्र में जाती है ना, तो ऑन फर्स्ट टाइम जब वो गई थी ना, ओनली 5 मिनट ही वो समुद्र में रह पाई थी, उसके बाद वो निकल के आ गई बाहर। फिर उन्हें लगा भाई प्रैक्टिस तो बहुत कम है, फिर वो दोबारा गई और उन्होंने दोबारा देखा, वो दोबारा 10 मिनट तक, 10 मिनट के बाद बोल और फिर बाहर आ गई। इसके बाद वो थर्ड टाइम उन्होंने कहा अब तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपको पता समुद्र में तो शार्क वगैरह भी रहती हैं भाई, इनका तो इतना खतरा रहता है बहुत ज़्यादा। अब उन्होंने कहा भाई प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, कुछ करना है, अलग करना है ना कुछ। अगर आपको उस सर्कल से बाहर निकलना ना जहाँ पे सभी रुके पड़े हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने भी किया, उन्होंने प्रैक्टिस कर दी डबल। अब प्रैक्टिस हो गई स्टार्ट, हाई फाई प्रैक्टिस, और जब वो थर्ड टाइम गई ना समुद्र में, तो कंप्लीट 12 आवर तक वो स्विमिंग करती रही, और स्विमिंग के बाद उन्होंने इन्वेस्टेशन पार कर लिया। 19 ये बात है 1989 की, 1989 में उन्होंने फर्स्ट टाइम इंग्लिश चैनल को पार किया, 1989 में। अब जब उन्होंने एक बार इंग्लिश चैनल को पार कर लिया ना, उन्होंने उनको लगा कि यार मैंने ये एक बार कर लिया ना, तो मैं इसको दोबारा भी कर सकती हूँ। लेकिन जितना आसान सोचना होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा कठिन होता है उस चीज़ को करना। तो ये उनके साथ भी था, जब उन्होंने सोच तो लिया था 1989 में, लेकिन आपको पता है इसको दोबारा करने के लिए उन्हें 9 पूरा कंप्लीट 10 ईयर, 10 ईयर उनको लगे कि इंग्लिश चैनल को उन्होंने दोबारा पार किया। पहले किया था 1989 में, उसके बाद दोबारा उन्होंने किया 1999 में, यानी कंप्लीट 10 साल लग गए उनको प्रैक्टिस करते करते, जब जाके उन्होंने इंग्लिश चैनल को 2 बार क्रॉस किया, एक बार इधर से एक बार उधर से, इंग्लिश चैनल को पार कर लिया। लेकिन उनकी जर्नी अभी यहाँ नहीं रुकी, क्योंकि जो जिसके दिल में चाह होती है ना, वो एक जगह पर रुकता नहीं है, उसको पता है कि मेरी असली मंजिल क्या है। अगर आपको अपना गोल पता है ना, तो आप रुकोगे नहीं, और गोल आपको तभी पता चलेगा जब आप पता करोगे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं है हमें जिंदगी में करना ही क्या है। भाई मैं आपको आज बता देता हूँ, यदि आपको ये नहीं पता ना कि आपको जिंदगी में करना क्या है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो पता करो कि आपको जिंदगी में करना क्या है, क्योंकि यदि आप जब तक आपको भी डेस्टिनेशन पता नहीं चलेगी ना, तो आप कैसे पहुंचोगे उस पर। यदि आपको पता ही नहीं है कि मुझे दिल्ली जाना है, तो आप कैसे पहुंच जाओगे दिल्ली। जब आप पता करोगे कि हाँ भाई मुझे दिल्ली जाना है, तभी तो पहुंचोगे दिल्ली। तो इसलिए पहले अपनी मंजिल पता करो, फिर उसके लिए तैयारी करो। अगर बिना मंजिल पता की तैयारी करोगे ना, कहीं गलत ही पहुंच जाओगे, पता चला कहीं जंगल में पहुंच गए। ठीक है, तो अब आगे की बात सुनते हैं, आगे क्या किया उन्होंने और उनको जलपरी क्यों कहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही मजा आएगा कि उनको जलपरी क्यों कहते हैं। अच्छा, उनकी कहानी स्टार्ट होती है, सबसे पहले तो इंग्लिश चैनल उन्होंने पार कर दिया, अब उनको बहुत खुशी हुई, लेकिन उनका भी कुछ और चैलेंजिंग करना है, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, अभी तो और करना है, लड़की हमारी जोधा थी। अब देखो सेकेंड टाइम उन्होंने देखो 1999 में इंग्लिश चैनल पार कर लिया दोबारा, उसके बाद 2001 में 2001 में वो पहुंच गए इटली का, इटली में एक ट्रेनियम समुद्र है, उसको उन्होंने पार किया 2001 में। ठीक है, उसके बाद ग्रीस का जो अंतर्राष्ट्रीय टोरोनोस गल्फ है, उसको पार करने के बाद उन्होंने फिर अमेरिका के कैटेलिना चैनल तैरकर पार करा। ये पता आपको पता है जो गल्फ, ये अंतर्राष्ट्रीय टोरोनोस गल्फ है, ये 26 किलोमीटर है, इसको उन्होंने 8 आवर और 11 मिनट्स में कंप्लीट किया था। अच्छा, हमको जितना आसान लग रहा है ना, मैं इतना बोल रहा हूँ आपको कि उन्होंने 8 आवर इतना, भाई समुद्र में तैरना बहुत बड़ा काम है, आपको पता है समुद्र में शार्क रहती हैं, और दूर भाई लाइफ रिस्क तो बहुत है समुद्र में। लेकिन वो लड़की थी ना भाई, जो महिला वो लेडी थी ना, झांसी की रानी थी, पूरी समुद्र की झांसी की रानी मान लो आप उन्हें, और जलपरी तो है, जलपरी तो कभी पानी में डूब ही नहीं सकती ऐसा कहते हैं, तो सेम उनके साथ भी था। उसके बाद 2003 में न्यूजीलैंड की क्रू जलर्ड मरुदेह को पार किया 2003 में। और देखो हर किसी का सपना होता है, आप यदि कहीं किसी चीज में अच्छे हो ना, तो आप चाहते हो कि यार मेरी इस सच्चाई को ना मेरे अपने घर वाले एक बार देख लें, अगर कभी आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाए ना, तो आप खुद चाहते हो कि मेरे जो सर है ना, मेरे मम्मी पापा को बताएं कि इसके ना फुल मार्क्स आए, देखो आपके बच्चे के 10 में से 10 आउट ऑफ 10 आए हैं। तो हर किसी को इच्छा होती है कि यार हमारे घर वालों को पता चले, तो इनकी भी इच्छा होती है। अच्छा, जब तक जब ये ग्रीस गई, इटली गई और सब यूएसए गई, तो इन्होंने ना दूसरे देशों में जाके अपना नाम रोशन किया, लेकिन अब ये चाहती थी कि ये कहीं और से तैर के आए और अपने देश में रोशन करें नाम। तो उसके लिए इन्होंने चुना श्रीलंका का समुद्र, जो इंडियन ओशियन है उसको, तो इन्होंने कहा कि मैं श्रीलंका से लेके और इंडिया का जो तमिलनाडु धनुषकोटी है वहां तक मैं तैर के आऊंगी। अब लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट था इनके लिए, लेकिन इन्होंने तैयारी की और अब वो सफर स्टार्ट हो गया था अगस्त 2004 में।
इन्होंने श्रीलंका से लेके और धनुष श्रीलंका से तमिलनाडु तक का समुद्र तैर कर पार किया। ये आपको पता, इसको पार करने के लिए ने 14 आवर लग गए, टोटल 14 आवर में इन्होंने इसको पार किया। लेकिन अच्छा, जब इन्होंने पार किया ना उसको, समुद्र को पार किया, तो वहां पे हजारों लोगों की भीड़ थी और वो इन्हें देख रही थी कि समुद्र में से कोई तो आ रहा है इनको देखने के लिए, और ये भी खुश थी। लेकिन आपको पता, श्रीलंका का जो समुद्र था उसको पार करने में भाई इनको बहुत मेहनत लगी। जब ये जो किनारा होता है ना, उसे 5 किलोमीटर दूर थी, धनुषकोटी पर थी ये, 5 किलोमीटर दूर थी, समुद्र में बहुत तेज हवाएं चलने लग गई, समुद्र की लहरें उठने लग गई बहुत तेज, अभी डरने लगी। अब इनके पास एक ही चॉइस थी, दो चॉइस थी, या तो ये अब नाव में चढ़ जाए जो इनके साथ रेस्क्यू टीम होती है उसके साथ चली जाए, या फिर तैर कर पार करें। लेकिन इन्होंने कंप्लीट 2 घंटे तक उन्हीं हवाओं से बचते बचाते अपनी स्किल दिखा के, जो इसकी प्रैक्टिस की जो स्किल थी ना वो वहाँ काम आती है ऐसी चीज़ों में, अब इन्होंने पूरा जान जान लगा दी कि भाई अब तो पार करना ही है, और कंप्लीट फिर उन्होंने किया। उनको 14 आवर लगे कंप्लीट करने में, लेकिन उन्होंने श्रीलंका से लेकर तमिलनाडु तक तैर कर उस समुद्र को पार कर लिया। अच्छा, अब बात करते हैं इनको जलपरी क्यों कहते हैं। तो इसके पीछे एक कहानी है छोटी सी। जब ये इटली का जो ट्रेनियम समुद्र था ना, उसको जब पार करके वहां से आ रही थी ना बाहर, तो वहां पे एक बच्चा खड़ा हुआ था। तो बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा था कि मम्मी ये कौन आ रही पानी में से। तो उसकी मम्मी है, अच्छा इन्होंने सन ग्लासेस, वो ग्लास लगा करते ना पानी में, वो लगा रखे थे और कॉस्ट्यूम वगैरह पहन रखी थी। तो अब बच्चे को मम्मी क्या समझाएंगे कौन है लेडी तैर के आई है ऐसे। तो उन्होंने कहते बेटा ये जल परी है। तो जब से उन बच्चों ने, और बच्चे से एक बच्चे से कह दिया, और बच्चे चिल्लाने लगे जल परी जल परी। तो उस दिन से इनका नाम जल परी पड़ा और इनको जल परी ले कहने लगे। अच्छा, इन्होंने इतने बहादुरी भरे काम करे हैं कि इनके लिए इनको अवार्ड भी दिए गए, इनको अर्जुन अवार्ड मिला है, पद्मश्री मिला है इनको।